अच्छा तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बतानी है कि मैं कहाँ गायब था। वो पहली बात ये है कि मैं जो मेरे पेपर चल रहे थे उसकी वजह से मैं गायब था। और क्या कहते हैं, अगर आपको इन्हीं मसलों से क्या कहते हैं कुछ परेशानी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होगा। और दूसरी बात, मैं एक चैनल की लिंक दे रहा हूँ जो व्लॉग्स बनाते हैं, अगर आपको व्लॉग्स पसंद हैं तो उनको जाके देख लेगा और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में गेमिंग फैन करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम मैंने कहना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देगा ताकि कोई भी अपडेट हो, जैसे एग्ज़ाम्स की मैंने अपडेट दी थी उधर, तो आप भी वहाँ मतलब आप जो है आप अपडेट रहेंगे कि मैं जो भी अपडेट दे रहा हूँ आप उससे अपडेट रहेंगे। तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी वेबसाइट्स की हैं, सारी सोशल मीडियाज़ की, आप लिंक जाके देख सकते हैं। Hey guys, welcome back again in another video of Gaming Hacks and in the second episode of How to do basic and advanced editing in KineMaster। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बी रोल शॉर्ट्स कैसे ले सकें। बी रोल शॉर्ट्स को अगर मैं आसानी में बयान करूँ तो बी रोल शॉर्ट्स को आप सिनेमैटिक शॉर्ट्स भी नाम दे सकते हैं। बी रोल शॉर्ट्स और सिनेमैटिक शॉर्ट्स बहुत सिंपल है KineMaster में एडिट करने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से एडिट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बी रोल शॉर्ट्स के बारे में बताऊँगा, होप आपको पसंद आई हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना, लेट्स गो। ऐसे होता है आपका बी रोल शॉर्ट, सबसे पहले आपको कोई भी एक तस्वीर ले लेनी है, इसका आपको बी रोल शॉर्ट बनाना है, मतलब इसके में आपको गिम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप KineMaster में एडिट करके बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको तस्वीर लेने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और ये जो बीच वाला ऑप्शन है आपको इसमें जाना है और इसको जो है वो आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको इधर लेके आ जाना है, ऐसे कर लेना बड़ा। और दूसरी तस्वीर में आप यहाँ से कर रहे हैं तो इस तस्वीर में आप बड़ा करके इसको यहाँ लेके आ जाएं, बड़ा करके। तो ऐसे मैं इसको इतना रख लेता हूँ जितना ये है और इसको भी हमने छोटा करके इतना कर दें। तो अब ये ऐसे करके एक बी रोल शॉट बन गया जो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। और आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। आपको कुछ ऐसा करना है कि यूँ मैंने करा और नीचे वाले को भी यूं ही रखा हुआ है, तो एक को जो है हमने ऊपर से करा, यहाँ ऊपर से, और ये ऊपर से आएगा नीचे तक, सही है, ऊपर से। अब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये ऊपर से यूँ नीचे करके आया, तो ये जो है ऊपर से नीचे वाला आपका बी रोल शॉट बन गया। तो ऐसे भी आप किसी भी तस्वीर में बी रोल शॉट बना सकते हैं ऊपर से नीचे, राइट टू लेफ्ट। तो बस यही है, इतना सी आसान सी बात आज है। की इस वीडियो यहीं तक थी, होप आपको ये सीरीज़ और ये एपिसोड्स पसंद आ रही हो। आप लोग मुझे अपने नीचे सजेशन बता दिया करें कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो लानी है, तो मैं उसको एपिसोड वाइज जोड़ के ले आऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतनी है, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको बाकी की सीरीज़ देखनी है तो बाकी एपिसोड्स देखनी है तो आप नीचे क्या कहते हैं नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थर्ड है और इस एपिसोड थर्ड में आपको हम वॉइस चेंजिंग के बारे में बताएंगे। वॉइस चेंज,